नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल सेहत साथी में। दोस्तों, आज हम आपसे जानकारी साझा करने वाले हैं एक प्रसिद्ध विटामिन सिरप डेक्सो रेंज के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। डेक्सोरेंज सिरप डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। इस सिरप को फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। इस सिरप को बनाने का मुख्य संयोजन है साइनोकोबालामिन, फेरिक अमोनियम साइट्रेट, फोलिक एसिड, अल्कोहल। डेक्सोरेंज सिरप के घटक तत्वों के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। फेरिक अमोनियम साइट्रेट एक पानी में घुलनशील साइट्रेट है। इसका उपयोग अम्लता नियामक के रूप में किया जाता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का एक निर्मित रूप है और इसका उपयोग विटामिन B12 की कमी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुंह से मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा या नाक में स्प्रे के रूप में किया जाता है। फोलिक एसिड, इसे विटामिन B9 या फोलिसिन के नाम से भी जाना जाता है। यह बी विटामिनों में से एक है। शरीर के लिए DNA और RNA बनाना और अमीनो एसिड की चयापचय करना आवश्यक है, जो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। डेक्सोरेंज सिरप मुख्य रूप से मानव शरीर में विटामिन और खनिजों की कमी के उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एनीमिया के उपचार के लिए किया जाता है। यह आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है। यह मरीजों की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। महिलाओं को गर्भावस्था के समय में भूख की कमी, विटामिन B12 की कमी, B12 को अवशोषण न हो पाना, गर्भावस्था और प्रसव के बाद खून की कमी, सर्जरी के बाद खून की कमी या कमजोरी, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी और सामान्य कमजोरी को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेक्सोरेंज सिरप के कुछ दुष्प्रभाव हैं, जैसे पाचन तंत्र और गैस की समस्या, नींद न आना, उल्टी, थकावट, जी मिचलाना, काला मल, पेट में दर्द इत्यादि। सेवन विधि, 15 ml सुबह शाम खाने के बाद या आप अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार सेवन कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन ले सकते हैं।